पूछने वाला। और पूछने वाला, जब आप लेन देन करते थे, जब आप डीजल नहीं चलाते थे, क्या समस्या थी? खुले पैसों की बहुत पहले बहुत किल्लत रहती थी, अब इसकी कोई मतलब कोई वो नहीं है। जब से आपने डीजल लेन देन शुरू किया, इससे फायदा क्या हुआ? सेव आ गया, दो पैसे जुड़ने लगे। अब हमारे पास जो फालतू का वो था, वो हमारी बचत होने लगी थी। अब उसमें जो है ना, हमें जो है ना चेंज की बहुत दिक्कत थी। कोई दिक्कत नहीं है ना चेंज की। पहले खुले पैसे बहुत बड़ी किल्लत थी। पहले खुले पैसे की बड़े नोटों की, मान लो किसी ने 100 का नोट दे दिया तो 90 रुपये एकदम से नहीं होते थे हमारे पास लेने के लिए। ग्राहक ने 10 रुपये का सामान लिया और 90 रुपये 100 का नोट दे दिया 90 रुपये की, तो वो अब हम उससे पे करा लेते हैं। अब कम से कम ये है कि आपका छोटी छोटी बचत हो गई जी, और आज वो बचत इतनी बड़ी हो गई, आप उससे क्या करना चाह रहे हैं? उससे क्या कर रहे हैं? यही है कि हमने काफ़ी समय पहले प्लॉट लिया था, उसका कुछ लोन बकाया था हमारे पास, वो जो हम उसके किस्त चुका रहे हैं। तो जल्दी लगता है कि जल्दी चुका लेंगे? हाँ, जल्दी चुका देंगे। अच्छा, इसका ये जो आपको पता कैसे लगा था, डिजिटल लेन देन किसने करा आपको? ये रिजर्व बैंक द्वारा, तो उनका साफ शिक्षा केंद्र जो RBI द्वारा जारी किया था, उसमें हमने ट्रेनिंग ली और उससे हमें पता मालूम हुआ। अब लोग हम लेन देन करते हैं बढ़िया। और अच्छा, ऐसे में फ्रॉड भी हो रहा है, उससे कैसे बचाव बताया गया? अब हम देते नहीं है अपना OTP देते हैं, अपना CV देते हैं, अनजान लोगों को हम कोई भी कुछ नहीं बताते हैं। खाते लेन देन संबंध जानकारी नहीं देते? नहीं दे, बिल्कुल नहीं देते। और बता रहे हैं हम, मतलब हम जाते। अच्छा, आपको देख के और भी साथियों ने चला लिया है? चला लिया, हमारे आस पड़ोस में कई दुकानदारों ने ऐसा किया है। धन्यवाद।